गाजियाबाद के कबीनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर और कोतवाली थाना क्षेत्र नई बस्ती इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ नकली घी बनाने के गोदामों पर छापेमारी की है। छापे में दोनों जगह से 10 क्विंटल से ज्यादा नकली घी बरामद किया गया है। नकली घी बनाने का मटेरियल और कई ब्रांडेड कंपनियों के घी का पैकिंग का सामान यहां से बरामद किया गया है। आगामी नवरात्रि और दिवाली सीजन पर मिलावट खोर इस नकली घी को खपाने वाले थे। बरामद माल की कीमत करीब 4 लाख रुपए से ज्यादा है। लोगों ने एक तो नई बस्ती में श्यामलाल के यहाँ छापा मारा था, वहाँ से लगभग 550 किलो घी, वनस्पति और रिफाइंड तेल मिला है, उसमें कुछ तिल का तेल भी था। दूसरी बार ये कवीनगर शास्त्री नगर के एरिए में, यहाँ पे भी 550 किलो के लगभग में, यहाँ कई 4-5 ब्रांड का घी पैक हो रहा है और इसको कंपनी के लोग भी हैं हमारे साथ, यहाँ पे पुलिस फोर्स है और ये कार्रवाई चल रही है। यदि आप सेहत का ख्याल रखते हुए ब्रांडेड देसी घी ये सोचकर खरीदते हैं कि ये देसी घी आपको ताकत और अच्छा स्वास्थ्य देगा, तो ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं। दरअसल पारस, मधुसूदन, मिल्क फूड, अमूल, मदर डेयरी जैसी असली घी सप्लाई करने वाले कंपनियों को पिछले काफी समय से इन कंपनियों के घी को इस्तेमाल कर रहे लोगों द्वारा घी की क्वालिटी को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके सैंपल लेने पर घी के सैंपल नकली पाए गए, जिसके बाद इन कंपनियों ने मार्केट में बिक रहे इन नकली घी और इनके सप्लाई के ठिकाने का पता लगाया और खाद्य विभाग और पुलिस को सूचना दी, जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ इस घर और गोदाम में छापेमारी की। इससे हमें पता चला था कि जब भी त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल सीजन जैसे दिवाली या ये हुआ, तो हमारी कंपनी रेगुलर काम करती रहती है इसके ऊपर जो है, तो हमें यहाँ से सैंपल जो है मार्केट से कलेक्ट हुए थे नकली, वे अभी 2-4 दिन में ही उतरे थे पहले से ही जो, तो हमने जो है डीओ साहब को जो है इनके यहाँ कंप्लेंट दी और एक टीम जो है एसएसपी साहब को कंप्लेंट दी, दोनों जगह पे मतलब जो है, तो उसी पे ये कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर तमाम जितनी भी बड़ी ब्रांडेड कंपनी है सभी का माल जो है यहाँ पे बरामद हुआ है जो टोटली जो है। अच्छा, क्योंकि नुकसान भी हो रहा था आपके प्रोडक्ट को इन चीज़ों से? नहीं, कंपनी को तो बहुत नुकसान होता है लेकिन जनता को ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि उसे अगर वो 500 रुपये खर्च करके जा रहा है, उसे अगर 100 रुपये वाला, 50 रुपये वाला माइल फैट घी जो फेफड़ों को गलाता है, जो एसेंस मिलाते हैं ना, आप वनस्पति खाइए या जो आप रिफाइंड आप यूज करेंगे या सरसों का तेल यूज, वो नुकसान नहीं करेगा। ये डालडा और रिफाइंड को मिलाने के बाद जो एसेंस डालते हैं खुशबू जो देसी घी वाली, नुकसान उससे ज़्यादा होता है, मतलब वो जो है आपके धीरे धीरे स्लो पायजन, ऐसे लोगों को जो बकसना नहीं चाहिए, सख्त से सख्त कानून होना चाहिए इनके लिए। मौके से 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और हिरासत में लिए शख्स के अनुसार बीते 6 महीने से ये नकली घी सप्लाई किया जा रहा था। त्योहार के मौके पर एक बड़ी खेप बाजार में खपाने की योजना थी। कब से काम कर रहे थे घी का? ये बनाने का कब से काम कर रहे थे? 6 महीने। 6 महीने से कितनी सप्लाई कर देते हो? 10-15 हज़ार। कहाँ का सप्लाई होती है? कहाँ का सप्लाई करते हो? गाजियाबाद। कौन कौन से ब्रांड करते हैं? ये अलग बात है कि छापे में बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद किया गया हो, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती तस्वीर भर है। त्योहारों के मौके पर नकली घी, खोआ, मावा, दूध, न जाने और क्या क्या बाजार में सप्लाई होता है। जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ समाज की भी है कि ऐसी सूचनाओं के मिलने पर पुलिस को दी जाए ताकि इस पर रोक लग सके। द पंचौरा न्यूज के लिए गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।